सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेमिक। सो वी आर बैक नाउ विद टाइम सेविंग वीडियो। गाइस, जैसे कि आपने माइनक्राफ्ट एपिसोड में देखा था कि हमने माइनक्राफ्ट में एक अपने कैसल के अंदर एक रूम बनाया लिया था छोटा सा, क्योंकि भाई देखो अपना बाहर से थोड़ा बहुत कैसल लगता है लेकिन अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी कैसल नहीं लगता, क्योंकि अंदर में सिर्फ एक छोटा सा रूम है, ऊपर की तरफ एक टेरिस है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा अंडरग्राउंड रूम बना लिया था जो कि मैं आपको चल के दिखाऊंगी। ओके गाइस, चलो फिर नीचे चलते। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था उससे मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है इसे, बट यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक चेस्ट है, बड़ा लार्जेस्ट वाला चेस्ट है, यहाँ पे एक बेड है, बाकी यहाँ पे सारा सामान चला गया, मेरे पास खाना नहीं है। क्या छोड़ो, आपको दिखा रही थी। ओ शिट यार, क्या गरीब है। नहीं नहीं, बस है, मेरे पास ब्रेड 6 फीट है तो उसमें 3 फीट बना, 2 फीट बना सकती, सॉरी 2 ब्रेड बना सकती हूँ। देखते हैं, 6 फीट, ओके ये रहे 6 फीट, जल्दी से बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल नीचे है, मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। पहले देखो, और यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में बिल्कुल भी, अरे मैं खाना खा के आपको मिलती हूँ। तो कि गाइस, यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, थोड़ा बहुत जितना 2 ब्रेड था उतना खा लिया मैंने। अब पिछले वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डर्ट, ग्रेनाइट वगैरह थे, थोड़े बहुत कोबल्ट स्टोन थे, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा कवर कर दिया, पूरा का पूरा कोबल्ट स्टोन से। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चेस्ट है, यहाँ पे 2 चेस्ट है, एंड यहाँ पे 4 फर्नेस है, यहाँ पे 2 क्राफ्टिंग टेबल है। बहुत चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे यहाँ पे भी ऊपर की तरफ डॉट था, यहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह था, उसमें मैंने चेंज करके कॉबलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। एंड बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यहाँ पे एक और अंडरग्राउंड बनने वाला है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैं ऑफ स्क्रीन ही कर दूंगी। वैसे छोटा अंडरग्राउंड बनने वाला है, कभी हम लोग माइनिंग करके आएंगे तो सारा सामान हम लोग उसके अंदर रखेंगे, बाकी जो हम लोग ये फालतू चेस्ट है। बाकी गाइस, आज हम लोग करने वाले, सबसे पहले सो लेते हैं, बता देते हो क्या करते हैं, तो सबसे पहले सोते हैं। सो गाइस, आज हम लोग देखो मैं क्या करने वाली हूँ। आज अगर हम लोग कैसल अपने, ये देखो हम अगर अपने डोर के बाहर जाए तो यहाँ पे आपको अंगन दिखेगा अच्छा छोटा सा, जिसके अंदर एक फार्म है, उसके साइड में बहुत सारे एनिमल्स हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और बड़ा कर, ये नहीं नहीं इसको वैसे कर, लेकिन बाहर की साइड में बस इतना ही अपना, मतलब देखो बाहर की साइड पे इतना, मतलब इतना ही है, सब खत्म हो जाएगा। बाहर का वो सब कुछ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा कवर टोटली पूरा, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे कवर सुन लगेंगे, वो मुझे पता है। चेक करते हैं, कोबल स्टोन का हर चीज बनानी जरूरत नहीं है, मैं दूसरा वाला वुड जाने। तो ओके, यहाँ पे बस ग्रेनाइट है वो तो मैं बिल्कुल नहीं लेने, डॉट है वो तो नहीं लेने ली, बाकी यहाँ पे वुड प्लैंक्स है, या वुड प्लैंक्स है, डायोराइट भी नहीं है, डायोराइट भी अच्छा नहीं लगता, बाकी वुड प्लैंक्स से हम लोग बना लेंगे। एंड बाकी यहाँ पे डोर्स लगने वाले हैं, मैं एक लास्ट टाइम, ओ एक सेकंड, 4 डोर्स है बस, कब हो पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, 4 डोर्स है। एंड यहाँ पे कैक्स लगेगी, ऑब्वियसली एक्स तो लगेगी, सोवल भी लगने वाली है, सोवल भी लगने वाली है, जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैं कॉबल स्टोन से कर रही थी, मतलब ग्रेनाइट अगर तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए सोवल मेरी पूरी खत्म हो गई थी। बना लेंगे एक सोवल, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी पिकैक्स वगैरह सब कुछ मेरा खाने का सामान नहीं है बस। चलो ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अपने एनिमल्स को हम लोग खाना देते हैं। एक सेकंड, में आई दे रही थी स्पाइडर रही, बीटरूट रहते हैं, एंड साथ में वीट अपने पास नहीं, वो लेके आए, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी मैंने जितना भी सामान लिया तो मेरे हाथ पे आना चाहिए, वो सब कुछ हाथ पे ले लेते सबसे पहला। बाकी मैं खाना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी उनको मारना है, बस खाना बिल्कुल भी नहीं आया। सारे अपने एनिमल को खाना खिला दिया है, एंड भाई अब तक उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गाय, शीप, यहाँ पे मुर्गी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड बकरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मेरी यहाँ पे अब सबको मारने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस, जैसे कि आपके पास इसमें क्या, मैंने सारे एनिमल्स को मार दिया है, सबके सबसे दो मैंने छोड़ दिए बड़े वाले, क्योंकि इसके ये 2 बड़े छोड़ दिए, बाकी इन दोनों के 2 बड़े छोड़ दिए, बाकी सारे बच्चे हैं तो उनको बड़े उनके मारेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी ये मैं मुर्गियों को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे ऊपर सिर्फ सीड आ गया, तो तुम दोनों खाओ। एंड बाकी मेरे को यहाँ पे बहुत सारा बीफ, बहुत सारा चिकन, बहुत सारा पोर्क चॉप, एंड साथ में बहुत सारा, एक सेकेंड, बीफ हो गया, मटन, मटन नहीं मिला, एक सेकेंड,
हाँ मटन भी बहुत सारा मिल गया यार, इसलिए देखो मेरे पास अभी चार चार कुक हो चुके हैं, मतलब चार चार अलग अलग टाइप्स के खाने हो चुके हैं, इसलिए मैंने चार चार टाइप अलग अलग फर्नेस बना लिए थे ताकि मैं खाने को भी मतलब वेट ना करना पड़े। तो अभी फटाफट इनको सबको हम लोग खाना कुक कर लेते हैं। यहाँ पे मटन को रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे चिकन को, यहाँ पे हम लोग रखेंगे नहीं बीफ नहीं, यहाँ पे पोर्क चॉप को रखेंगे एंड नीचे वाले इसमें हम लोग रखेंगे बीफ को। बाकी एक सेकेंड कोल किधर है, मैंने एक के तो एक केस में तो हमने कोल रखा था, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ भी नहीं है, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा जाके, देखते हैं ऊपर आई थिंक रहेगा कोल, उसमें थोड़ा सा आधा आधा बांट लेंगे, इतना भी ज़्यादा नहीं लगता है कोल। ये देखो इधर है, तो जल्दी से हम लोग ना थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सारे के सारे फर्नेस यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरफ पे चिकन कुक हो रहा है, इस तरफ पे मटन कुक हो रहा है एंड इस तरफ पे पोर्क चॉप कुक हो रहा है, इस तरफ पे बीफ का कुक हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बीफ अपने पास बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी खाने का कमी नहीं होने वाली है। एक रात बस और अपने वेट करना है, बाकी कल तो इतना सारा खाना आ जाएगा क्या बताऊँ। पहले हम लोग सो जाते हैं एंड कल से हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया जो जो मेरे को लगता था मतलब लगने वाला है अपना आंगन बनाने के लिए, तो कल हम लोग शुरू कर लेंगे। बाकी इससे पहले हम लोग अपना फूड ले लेते हैं। ओके सुबह हो चुकी है, जल्दी से चलो नीचे की तरफ। यहाँ पर ना मेरे को डैमेज बैठता है, देखो नहीं देखो देखो इस तरफ में जैसा जम मारती हूँ ना तब मुझे डैमेज भी चुका है। खेर छोड़ो, ओके चिकन कुक हो चुका है, नहीं अभी बाकी है थोड़ा। अभी यहाँ पे मटन भी कुक हो चुका है, बाकी और तीन बाकी है एंड यहाँ पे पोर्क चॉप सारा कम कुक हो चुका है, यहाँ पे भी अभी कुक हो रहा है, तो बाकी जितने भी यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं और। ओके और यहाँ पे खत्म हो गए, इस तरफ पे मटन अभी चालू है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक और है, उसका भी वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आपने कहा मैं जैसे कि यहाँ पे मेरे सारे के सारे बीफ पोर्क चॉप मटन चिकन सब कुछ अभी यहाँ पे मैंने कुक्ड हो चुके हैं। बीफ देखो इतने, चिकन 9, 7 पोर्क चॉप 10 मटन, तो यहाँ पे हम जल्दी से अपना काम शुरू कर लेते हैं। खाने की भी कोई कमी नहीं है, बाकी सूअर ख़त्म होने वाला है, बट ख़त्म होकर तो नहीं बनाएंगे अभी नहीं, तो अभी जल्दी से शुरू। मेरे को शोर बनाना था बट मेरे पास कवर स्टोन नहीं है, क्योंकि जितना भी कवर स्टोन था वहाँ पे मतलब सारा मैंने यूज कर दिया है, इसलिए मैं बड़ी फैंक से अपना ये आंगन बना रही हूँ। तो अभी शुरू कर लेते हैं, तो मेरे को मेजरमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट उसके लिए पहले मेरे को डॉट्स भी लगने वाले हैं। भाई क्या है, अरे मैं बस खाना है, पर मैं खाना क्यों खा रही हूँ, खाना खाते हैं कहते हैं डॉट्स, फिर खाना कर लेते हैं। जल्दी से लेके आते हैं अपना डॉट, डॉट लेके आने के बाद जहाँ जहाँ पे हमको ये है मतलब छोटे छोटे गड्ढे हुए हैं उसको हम फिल कर लेंगे अपने डॉट। और बाकी अपने डॉट तो मेरे पास बहुत सारा, चलो ठीक है 51 ले लेते हैं। ओके ओके इतना तो मैं ओके, तो बाकी और नहीं इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा है मुर्गियाँ से बाहर निकल जाती है, छोटी छोटी मुर्गी ओके यहाँ से अंदर आ जाती है चिपके से, तो मेरे को चांसेस नहीं है कि वो बाहर जा सकती है, तो चांसेस है तो यहाँ पर हम लोग अपने हाथ में डॉट ले लेते हैं। दरवाजे को नहीं, खाना तो अपने साथ ही रखना चाहिए, डॉट को निकाल लेते हैं। बाकी ये क्या आता है हमेशा, चलो ठीक है इसका हम लोग सबसे पहले फील कर लेते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से फ्लैट कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर ऊपर तरीके से ही, मतलब इतना डॉट नहीं अच्छे करते हैं हम लोग, बहुत टाइम लग जाएगा, डॉट तो है बट टाइम बहुत लग जाएगा, मैं ऊपर ऊपर फील कर लेता हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास वंडरिंग ट्रेडर सामने खड़ा हुआ है एंड बाकी ट्रेडिंग मैंने करने लगे, पर फिर भी ये देखो ये क्या है, रेड स्टैंड बोलते हैं ना उसको, बाकी येल्लो डाई एक एमरल्ड में, सच्ची में येल्लो डाई तो हमको इधर उधर मिल जाती है, कैल्प दे रहा है 3 एमरल्ड में, यहाँ पे गन पाउडर दे रहा है एंड बाकी ये छोटा क्या करूँ भाई, इसको मारो एक साइड, मेरे को इसको मारना ही था क्योंकि इसके पास मेरे को लीड मिल जाती है, ये लीड का हम लोग अपने घोड़े से बांध सकते हैं। तो हेलो क्या कर रहे हैं, अगर मैंने इसको मार तो इसके लामा मेरे को मार देंगे इधर, भाई लो लगा मेरे को सच्ची में, एक साइड इसको इधर 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 इधर, ओके मैं ऐसा खेलते सकते होता है, जल्दी से इनको मार के मारना मत मारना मत, ये मर गया, अब तू क्या करेगा, अब तू क्या करेगा। बाकी मेरे को 2 लीड मिल चुके हैं, अब बाकी मेरा कुछ भी काम नहीं है, फिर तो इसको ले, ये मेरा गिफ्ट है, इसको नहीं मारेंगे छोड़ो, अभी मेरे को ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, मैं जल्दी से प्लेन जगह करती हूँ, सारा अपना काम शुरू करना है, टाइम पास नहीं करना मुझे। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग कह रहे थे मैंने फाइनली यहाँ पे अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, आंगन बनाना है, तो यहाँ पे मैंने पूरा फुल फील कर लिया है एंड बाकी मैंने नई शवल एंड नई सूट बनानी थी,
सो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन शावर बहुत खतरनाक यूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली शावर बहुत यूज किया। तो यहाँ पे हमको स्टार्ट कर देना चाहिए बिना किसी टाइम पास से, तो शुरू करते हैं फटाफट से। बाकी मुझे लग रहा है कि वोट प्लैंग से कमी पड़ने वाली है, तो देखते हैं अभी क्या क्या नहीं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके 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 ओके, वन ये टू, ओके यहाँ पे वन टू, ये वन टू, ये वन टू, ये वन टू करके पूरा कंप्लीट करना है आपको, पूरा कंप्लीट करने का दूंगी। ओके तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना बाउंड्री जो है वो कंप्लीट कर लिया फाइनली। वुड प्लैंक से कमी पड़ गई थी लेकिन मैंने और लेके आके कंप्लीट कर दिया, तो मैं आपको दिखा रही थी। आप देखो ये मैंने अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा तो कर कमेंट में बताना। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया है, मतलब दो हाइट की स्पेस दी है, लेकिन गाइज बाहर से इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं कि क्या बताऊँ। देखो यहाँ से मैं तो लकड़ियाँ तोड़ रही थी, जब मेरे को इधर ही ऐसा ही व्यू मिल रहा था, कितना मस्त लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, हाँ ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट डाउन। वैसे मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, और उसके अंदर हम लोग बहुत सब कुछ करने वाले हैं, एंड आयरन गोलम भी को भी हम लोग लाने वाले, स्पॉन करने वाले हैं। मैंने सुना आयरन गोलम को हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग बना लेंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि आयरन अभी बहुत सारा है। बाकी गाइज ये देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बाउंड्री बनाई है, मैंने को बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने बनाया, मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए था, मतलब मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए था, क्या ऐसा लेयर बट कवर करने के लिए चाहिए था। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, इन स्पेस में मैं कुछ तो करने वाली हूँ। बाकी मेरे प्लान में ना एक दिमाग, मेरे दिमाग में एक प्लान है, मेरे को एक टाउन हॉल बनाना है, टाउन हॉल विलेजर्स का टाउन हॉल मुझे इस तरफ बनाना है, क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा ही मेरे को स्पेस दिख रही है। तो इधर ही अब मैं टाउन हॉल बनाऊंगी, देखेंगे अगले एपिसोड में ट्राई करेंगे। ऐसा तो अभी पता नहीं हो, मिले कर भी सकते हैं, डिज़ाइन तो मेरे बहुत सारे आ रहे हैं कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। बाकी गाइज यहाँ पे मुझे, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक अंडरग्राउंड बना लूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं मैं कैसे बनाऊंगी, जब पूरा बना के दिखाऊंगी अगले एपिसोड में पक्का। यहाँ पे इस तरफ से मतलब नीचे खोद के, वैसे यहाँ पे नीचे केव में दिखा रही थी, अब शौक हो जो नहीं, एक सेकंड, ये तो नीचे केव थी ना, एक सेकंड नहीं नहीं, अरे मैंने सच्ची में देखा था कि यहाँ पे केव थी, इसलिए मैंने इसको पैक कर लिया था, बट पता नहीं क्या हो गया। ओके गाइज आज के लिए इतने अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।